जिसमें हमने वो किताब लिखी थी, ये तो हमें समझ आ गई थी कि अपने जिंदगी से जोड़ करके हमें फिजिक्स की पैकेजिंग करनी, ये तो समझ आ गई थी। लेकिन ये वाली समझ नहीं आई थी कि हम कुछ थ्री डिमेंशनल चीजें भी बनाएं और उससे टीच करें, ये समझ नहीं आई थी मुझे। तो जिस तरीके का आप यहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें कि वन हैज टू थिंक, हमारे एजुकेशन की सबसे बड़ी जो बाधा है कि कोई सोचने की किसी को जरूरत ही नहीं, बिना सोचे हुए अच्छे नंबर आ जाते हैं, बिना सोचे हुए एडमिशन हो जाते हैं, बिना सोचे हुए पास हो जाते हैं, नौकरियां मिल जाती है। तो सोचने का जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल गायब हो गया है, और यहाँ पर है कि वो सोचने से ही शुरुआत ही होती है। आप कुछ सोचते हो, कुछ क्रिएट करते हो, उसमें से कुछ निकल करके आता है। अगर थिंकिंग कैपेबिलिटीज बनती हैं तो सबसे एसेंशियल पार्ट वही है, वो यहाँ पे करो द बेस्ट। डिग्री कॉलेज के अंदर में मैंने नौकरी ज्वाइन करी, तो वहां पे मुझे ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स लिखने का एक तो वातावरण मौका भी मिला और प्लस जरूरत भी मिली। नहीं तो मैं क्यों लिखता, अगर मैं कहीं बर्कले में पीएचडी करता और फिर कहीं आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर होता तो क्यों लिखता मैं। तो वहाँ पे जब वो पढ़ाने की नौबत आई तब समझ आया कि नहीं भैया, रश्मि के लिए बहुत अच्छी किताब है लेकिन ये वाशिंगटन मनीला मेरे जमालपुर के विद्यार्थी को नहीं चलता। तो ये जो रियलाइजेशन हुआ ना कि परिवेश बहुत ज़रूरी है, ये वहाँ 79 में ज्वाइन किया था मैंने, हम जो 82-83 तक ये दिल में बात बैठ गई कि वो परिवेश बहुत ज़रूरी है साइंस पढ़ाना है। तो मैं तो उस समय 30s में था अपने, पहले बार किताब लिखा था मैंने और बिल्कुल ज्ञान कोई नाम मेरा जानता नहीं था, और धड़ा में गाहिल ने मेरे को ऑफर कर दिया था कि मैं हम लोग साथ ही यहाँ किताब, तो मैं उस स्पिरिट में था वहाँ पे। लेकिन जब उन्होंने हमें वो लॉन्ग लिस्ट ऑफ सजेशंस बताए, क्यों, क्योंकि उनकी मार्केटिंग टीम ने रिफ्यूज कर दिया था कि ये किताब नहीं लिखी। तो मैंने कहा ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो तो हम तो बेच पाए। उनकी मार्केटिंग टीम थी कि अरे कॉन्सेप्ट को किसको चाहिए होता है, लोगों को इम्तहान पास करना होगा। तो फाइनली दे रिजेक्टेड। तब ये जो कॉपी का जो पब्लिशर है मेरा, तो भारती भवन पब्लिशर है, पूरा श्रेय उनको जरूर देते हैं, उन्होंने इसके ऊपर वाकई बहुत माना। ये तो बहुत छोटा क्राइम है ना, किताब छाप लिया, पुलिस कुछ कंप्लेन करने जाओ तो बहुत हंसते हैं कि क्या 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 कंप्लेन लेके आ रहे हैं, किताब छाप लिया, ये कोई क्राइम है क्या कि किताब छाप लिया, इतना छोटा क्राइम, कॉपीराइट, अरे क्या कॉपीराइट, किताबें तो छाप रहा है, बच्चे पढ़ेंगे तो Thank you.